हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऑडियो विजुअल एड्स एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आज की वीडियो में हम इसका मीनिंग जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ऑडियो विजुअल एड्स को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ विजुअल एड्स की बात कर लेते हैं, विजुअल एड्स होते क्या हैं। जैसे हर क्लासरूम में, हर कॉलेजेस में, हर जो वहाँ पे हम मीटिंग करते हैं वहाँ पे ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हम उसे देख के कोई चीज़ समझते हैं या फिर हम किसी चीज़ को समझाते हैं, हम उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं और उस ब्लैक बोर्ड पे हम लिख देते हैं और उससे कोई देख के समझता है, तो वो होते हैं विजुअल एड्स। और ऑडियो जो एड्स हैं वो क्या होते हैं, जिससे हम सुन के समझते हैं, जैसे प्रोजेक्टर में आवाज़ आती है हम उसके सुन के समझते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं होते क्या हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स आर यूज टू इनहेंस प्रेजेंटेशन, मतलब जो ऑडियो वीडियो एड्स हैं वो इनहेंस करने के लिए, मतलब अपनी प्रेजेंटेशन को बढ़िया बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं, दे कैन बी ए हैंग आउट हो सकते हैं, फोटोज़ हो सकती हैं, वाइट बोर्ड्स हो सकता है, फ्लिप चार्ट हो सकता है या फिर पावर पॉइंट स्लाइड हो सकता है। तो अब देखते हैं कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट ऑडियो विजुअल एड्स हैं, कैसे कैसे जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं होते हैं और क्या क्या नाम है और मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट ऑडियो विजुअल एड्स। अब क्या क्या होते हैं इसमें, तो सबसे पहला आ जाता है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज। ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी का मतलब है, एक तो ट्रांसपेरेंसी है वो ईजी होती हैं मेक करने को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जैसे हम बुक अपनी वाइंड करवाने जाते हैं तो वो एक क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट से जो शीट है उससे वो बाइंड कर देते हैं। अब ट्रांसपेरेंट जिसके हम आर पर देख सकते हैं वो वाली शीट, तो उस पर क्या होता है, वो हम पहले, अभी नहीं इसका इतना चलन है पर पहले था, क्या करते थे जो ट्रांसपेरेंट शीट्स होती थी ना उस पर वो जैसे फ़ोटो कॉपी सेंट, जहाँ पर फ़ोटो कॉपी होती है या प्रिंट आउट निकलते हैं वहाँ पर चले जाते थे और वो ट्रांसपेरेंसीज ले लेते थे। उस ट्रांसपेरेंसीज पर क्या करते थे, मतलब हमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो फ़ोटो कॉपी करवा लेते थे, ठीक है। तो एक तो इसका एडवांटेज ये होता था कि मतलब इसे क्या करते थे, कार्डबोर्ड के पीछे लगा देते थे, उसके पीछे जैसे लाइट मारते थे तो जो वर्ड्स थे वो दिखते थे और मतलब काफ़ी अच्छा लगता था देखने के लिए, प्रेजेंट करने में भी अच्छा लगता था। और इसमें एक और चीज़ होती थी, एक तो ये फ्लेक्सिबल होती थी, ठीक है, और ये काफ़ी पोर्टेबल होती थी, जिससे क्या होता था, एक तो लिटिल स्पेस कवर करती थी और अगर हम इसे कार्डबोर्ड पर भी लगा दें तभी भी मतलब ये ईजी होती थी। और इसका एक और एडवांटेज ये था कि मान लो अगर हमने कोई पॉइंट नहीं लिखा, कोई इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसपेरेंसी पर लिखना चाहते थे या कोई प्रेजेंट करना चाहते थे, हमने नहीं लिखा तो हम क्या कर सकते थे, दोबारा भी उसको मार्कर के साथ लिख सकते थे। तो अब हमने ये पढ़ लिया, ये था ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं स्लाइड्स। अब स्लाइड्स क्या होता है, जैसे हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाते हैं, जैसे हम एक क्या कहते हैं वो नहीं बनाते, हम स्लाइड शो बनाते हैं जब फोटोज़ बार बार आती रहती है, उसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, उसमें हम फोटोज़ ऐड्स कर सकते हैं। मान लो हमने वाटर साइकिल पे या सेव वाटर पे बनाना है, हम तो वाटर की कई पिक्स ले सकते हैं, उसको बनाने के लिए पॉइंट्स ले सकते हैं, हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो स्लाइड्स होती हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होती हैं देखने में, इसमें हम कलर फोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं जो हेल्पफुल होती है प्रेजेंटेशन को, मतलब बढ़िया दिखाने के लिए, इफेक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी रिलेटिवली काफ़ी लो होती है और हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में, ठीक है। इसके लिए हम इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि लार्ज ऑडियंस तक पहुँचे, हम इसे इसमें जो प्रोजेक्टेड स्लाइड्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एक स्लाइड है एक पिक्चर कैसे आएगी, कोई लेफ्ट से आएगी कोई राइट से आएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया होती है। इसको हम कहाँ पे, जैसे हम कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजी है जो ऑफ़र करती हैं स्लाइड्स को, हम इसको प्रोजेक्टर में, मतलब हम पेन ड्राइव लगा के प्रोजेक्ट कर देती हैं, जैसे हम स्मार्ट क्लासेस में भी देखते हैं इसे। तो ये काफ़ी मतलब एक तो बढ़िया होती हैं, साथ में ये काफ़ी प्रोफेशनल दिखती हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट क्या होता है, हमने अपने स्कूल टाइम में या फिर अपने कॉलेज टाइम में कभी ना कभी किसी ने ना चार्ट बनाए होंगे, कभी हम हॉलीडेज होमवर्क मिलता था हम चार्ट्स बनाते थे, तो वो ऐसी चार्ट्स, हमने चार्ट्स में कुछ फोटोग्राफ्स लगा देनी, मतलब एक काफ़ी बड़ा पेपर ले लेना और उसमें फ़ोटोग्राफ्स लगा देनी है, कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं जिससे जो हमने प्रेजेंटेशन देनी है वो अच्छी तरह से समझ आ सके। तो ये फ्लिप चार्ट होते हैं वो लार्ज पीस ऑफ पेपर होते हैं, हम उसको ईजल पे लगाते हैं। ईजल का मतलब होता है स्टैंड, ईजल का मतलब होता है
स्टैंड, ठीक है, मतलब पीछे हम स्टैंड पे इसे लगा देते थे क्योंकि हम चार्ट है, चार्ट फोल्ड हो जाएगा या फिर मतलब बार बार हिलेगा डुलेगा, तो हम इसे पीछे स्टैंड पे लगा देते थे। और ये जो था वो काफ़ी हेल्पफुल था इंटरेक्ट करने के लिए ऑडियंस के साथ, हम इन्फॉर्मेशन को क्लैरिफाइंग करने के लिए, ठीक है। तो फ्लिपचार्ट है, इसके एडवांटेजेस क्या आ जाते हैं, ये काफ़ी चीप है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, और इस मतलब इसमें हम एडवांस में बना सकते हैं और इसमें हम कई वेरियस कलर्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम लार्ज ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, मतलब इतना छोटा चार्ट किसको दिखने वाला है, ठीक है, तो मतलब अगर हम लार्ज ऑडियंस बैठी या हमारे पास 200-300 बंदा बैठा, तो हम कैसे दिखा सकते हैं एक चार्ट के थ्रू। तो मतलब इसके एडवांटेजेस भी आ जाते हैं और काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चॉक बोर्ड्स एंड वाइट बोर्ड। ये तो काफ़ी आज भी हम काफ़ी प्रचलन में है, ये वाइट बोर्ड्स एंड ब्लैक एंड वाइट बोर्ड्स। तो चॉक बोर्ड्स क्या होते हैं, हम क्लासरूम में देखते हैं चॉक बोर्ड्स हैं वो मतलब अवेलेबल होते ही होते हैं, और कॉन्फ्रेंस रूम में जो वाइट बोर्ड्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो इसके भी कई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं एज फ्लिपचार्ट। अब इसके एडिशन में जो चॉक मतलब इसमें क्या होता है चॉक डस्ट के, अब इसकी एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी। जैसे हम अगर हम चॉक बोर्ड की बात करें तो कई बार चॉक डस्ट इतनी मैसी होती है, हमारी जो प्रोफेशनलिज्म लुक है उसे एलिमिनेट करती है। और जो मार्कर होते हैं इसमें, हमें अगर वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें मार्कर वो लेने चाहिए जो इरेजेबल टाइप नहीं है। ये नहीं है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और हमने मार्कर परमानेंट वाले ले लिए हैं जिससे ना रेज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो हमारी जो प्रोफेशनलिज्म जो लुक है एक प्रेजेंटर की वो भी एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। तो पोस्टर एंड पिक्चर्स इसमें क्या है कि हम पोस्टर और पिक्चर्स के जरिए अपनी प्रोफेशनली जो है हमारी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब जो हमारे पोस्टर और पिक्चर्स हैं, हमें इसको बैक्ड विद स्टडी कार्डबोर्ड, मतलब हमें पीछे मोटा कार्डबोर्ड होना चाहिए जिस पे हमने इसे लगाया हो, क्योंकि आपको पता है पोस्टर्स हों, पिक्चर्स हों या फ्लिपचार्ट्स हों, ये फोल्ड होते रहते हैं, हिलते डुलते हैं, तो हमें चाहिए कि इसको एक अच्छे कार्डबोर्ड से या फिर पीछे एक अच्छी स्पॉट पे लगाया जाए, अच्छे ईजल पे लगाया जाए, स्टैंड पे लगाया जाए, ताकि ये हिले ना। क्यों लगाना चाहिए, ताकि ये रोल ना हो, फोल्ड ना हो। और इसका एडवांटेज ये आता है, एक तो ये लाइट वेट है और ये पोर्टेबल है, हम आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, हमें एक ऐसा ईजल मतलब एक ऐसा स्टैंड ढूंढना जो काफ़ी स्ट्रॉन्गली इनफ हो इसे होल्ड करने के लिए। और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप चार्ट को पकड़ के खड़े हो गए और आपका फेस पीछे मतलब छिप गया और आप इसे बता रहे हो, है ना, तो इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल्स। अब ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल क्या होता है, हमने मॉडल या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने पढ़ाना, जैसे मान लो अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, हम अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमने एक छोटा सा मॉडल बना लिया कि हाँ इस जगह पे ये वाला रूम होगा, इस जगह पे ये चीज़ होगी और इस जगह पे ये चीज़ होगी। तो मतलब इसमें हम मॉडल्स और ऑब्जेक्ट्स को दिखा के अपनी जो बात है अपनी वो सामने रख सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने। नेक्स्ट आया था कंप्यूटर प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हम कंप्यूटर में प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, स्लाइड शोज, तब अब हम इसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर हम प्रोजेक्टर्स के थ्रू इसे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम इसे कैसे बना सकते हैं, पावर पॉइंट, ऐसे कई एप्लीकेशन है जिससे हम अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ताकि हम जो अपने वर्ड्स हैं, हमारे जो हमारे आइडियाज़ हैं वो ऑडियंस तक हम पहुँचा सकें इफ़ेक्टिवली और बहुत बढ़िया तरीके से पहुँचा सकें। तो इसमें हम LCD डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हैं, हमें प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, हम इमेजेस दिखा सकते हैं, ऑडियोस वीडियोस दिखा सकते हैं, ताकि जो हमारी क्या कहते हैं वो हमारी जो एफिशिएंसी है मतलब एकदम अच्छी रहे और हम दिखा सकें कि हम हमारे क्या क्या आइडियाज़ हैं हम कंप्यूटर प्रेजेंटेशन के यूज़ करके। और एक तो इसकी जो रिवीजन है वो भी सिंपल, मान लो अगर हम कोई चीज़ पॉइंट भूल गए तो हम आराम से उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीडियो टेप्स एंड फिल्म क्लिप्स को, आप पता ही होगा आपको कि हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है, मान लो अगर हम कोई ऑडियो विजुअल एड्स दे रहे हैं तो हम यहाँ पे अपनी जो वीडियो टेप्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, कोई फिल्म क्लिप्स ऐड कर सकते हैं ताकि कोई चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक तो क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है ताकि ये प्रोफेशनली होती है और ये हाई क्वालिटी लुक देती है प्रेजेंटेशन को, और हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं इसकी वीडियो टेप्स और फिल्म क्लिप्स के जरिए एक्टिविटीज़ का, एक्शन का, या फिर कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम जो एक्टिविटीज़ हम करना चाहते हैं एक्शंस का, उसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और मतलब इसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी हैं, जैसे ये एक्सपेंसिव है एंड टाइम काफ़ी वो करता है, कंज्यूम। मान लो कोई बहुत बड़ी बड़ी क्लिप हमने लगा दी है बट उसको देखते देखते भी बोर हो जाते हैं और इतनी मतलब बात भी कई बार समझ नहीं आती, बट फिल्म अगर हम कह सकते हैं कि यह अभी अच्छा है तो आइए गाइस शुरू करते हैं।
तो गाइज ऑडियो विजुअल एड्स के स्कोप को हम पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। तो नंबर वन पॉइंट है टू इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ऑडियो विजुअल का ये यूज़ करके हम जो अपनी टीचिंग है उसे हम इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, और ये ऑडियो विजुअल एड्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से कर सकें। ये सिर्फ ओनली टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, साथ साथ जो लर्नर्स होते हैं उन्हें भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से समझ आता है, ठीक है, जो हम टीचर्स समझाना चाहते हैं वो उनके समझ आता है ऑडियो विजुअल का यूज़ करके। तो गाइस सेकंड पॉइंट है इसमें आ जाता है हमारा इनकरेज लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द क्लासरूम। इसमें क्या होता है कि जैसे ऑडियो विजुअल का हम यूज़ करते हैं, मान लो ब्लैक बोर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम, और भी हैंग आउट्स कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस कर रहे हैं, इससे क्या होता है जो लर्नर होता है वो इनकरेज होता है और एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाता है क्लासरूम में ताकि हम जो समझा रहे हैं वो उसे समझ आता है। तो गाइस इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है इन्हेंस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू प्रॉपर एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी प्रॉपर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इससे क्या होती है जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी इन्हेंस होती है और उन्हें जो समझ है वो अच्छी तरीके से आ जाता है इससे। ऑडियो विजुअल एड्स ऑल्सो हेल्प करता है टीचर्स को जो लेसन प्लान्स हैं वो बेटर हों, लर्नर एक्सपीरियंस बेटर हो, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स में हम वीडियोज़ यूज़ करते हैं, ऑडियोस यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है कि जो लर्नर होता है या फिर टीचर होता है वो उसका इंटरेक्ट अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, जिससे जो स्टूडेंट्स को समझ भी अच्छी तरीके से आ जाता है। तो गाइज इसमें फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है। ऑडियो विजुअल एड से क्या होता है वो इनकरेज होते हैं, एक गुड ऑब्जर्वर एक गुड लर्नर बनते हैं स्टूडेंट्स हमारे, क्योंकि उनको जैसे हम वीडियोस दिखा रहे हैं, ऑडियोस दिखा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनको समझा रहे हैं तो उन्हें समझ भी ज़्यादा आता है वो, और वो गुड ऑब्जर्वर बनते हैं, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो वो हमारे हेल्प करते हैं हम गुड लर्निंग जो मटीरियल है उसे डेवलप कर सके, क्योंकि मतलब अगर हम गुड लर्निंग मटेरियल अगर बनाएंगे तो जो हमारे हम लर्नर्स हैं वो भी गुड होंगे, अच्छे होंगे, वो गुड ऑब्जर्वर बनेंगे, ठीक है, उनको समझ अच्छी तरीके से आएगा। ऑडियो विजुअल के साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन्हें समझ भी अच्छी तरीके से आएगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट को कुछ चीज़ समझ आएगी तभी उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा, तो नहीं बनेगा। ऑडियो विजुअल एड्स स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ाते हैं और उन्हें चीज़ें समझने में ज़्यादा मदद करते हैं। ऑडियो विजुअल के साथ जो हमारे टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें एफिशिएंसी आती है, टीचिंग प्रोसेस इन्हांस होता है हमारा, टीचर्स की भी काफ़ी हेल्प होती है, अगर स्टूडेंट की होती है तो उतनी ही टीचर्स की हेल्प होती है ऑडियो विजुअल एड के साथ। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी।